हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है तनवीर शेख और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो नए यूट्यूबर है दोस्तों उसी के लिए ये वीडियो है। अगर आप भी नए यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अपने चैनल का लोगो कैसे चेंज करें। दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर लोगो लगाते हो आप तो यूट्यूब एप्लीकेशन से बहुत ही आसानी से लग जाती है, लेकिन सेकेंड टाइम आप अगर लगाना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो तो वो एप्लीकेशन में कभी कभी ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज हम आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर बताएंगे कैसे वहाँ से चेंज, कितने बार भी आप चेंज कर सकते हैं लेकिन क्रोम ब्राउज़र से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अपने चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करना होगा और वहाँ पर जाके फ़ोटो कोई सा भी चेंज कर सकते हैं और अर्थ, चैनल का अर्थ भी चेंज कर सकते हैं, जो आपके लोगों के पीछे होता है लंबा सा, जो टीवी में भी दिखाई देता है, डैशबोर्ड में भी दिखाई देता है और डेस्कटॉप साइट पर भी दिखाई देता है। ठीक है, तो वो हम चेंज करना बताएंगे और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन करते हैं। दोस्तों, हमने लॉगिन कर रखा है पहले से ही, आप अगर लॉगिन नहीं किए होंगे तो लॉगिन कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है कि यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउज़र में कैसे लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो हमारा लॉगिन है कैसे हम जान रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोगो आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं हम होम स्क्रीन पर है, यूट्यूब इन, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, थ्री लाइन वाला बटन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, थ्री लाइन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ होम स्क्रीन पर है। ठीक है, तो हमें माय चैनल में चले जाना है। माय चैनल में जाने के बाद माय चैनल को क्लिक कर देना है, उसके बाद हम माय चैनल पर पहुँच जाएंगे या आपका चैनल आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, आप एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर, तो पहले छोटा करता हूँ थोड़ा, आप इसे जूम भी कर सकते हैं, कितना भी जूम कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र में बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब चैनल को यूज़ करना। ठीक है, तो ये हमने इसे बड़ा जूम कर लिया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप पेन बनकर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे से हम अर्थ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चैनल अर्थ चेंज होगा। ठीक है, जो हमने लगा रखा है अभी, तो ये कैसे लगाते हैं इसकी वीडियो भी हमने बना रखी है, आपको नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि लोगो कैसे चेंज करें। लोगो चेंज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक बार क्लिक किया था यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर ये वाला बटन आ गया है, पेन वाला, पेन वाले बटन पर क्लिक कर देना है सिंपली। पेन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा देर ये प्रोसेस चलेगा, थोड़ी देर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला बटन आ जाएगा आपके सामने, ये देखिए एडिट वाला बटन, इस पर क्लिक करना है आपको। एडिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जो आप देख सकते हैं। ये थोड़ा नेट स्लो है इसलिए थोड़ी देर में आ रहा है, अगर आपका नेट फास्ट है तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक अपलोड करनी पड़ेगी, अगर आपने पहले से ही अपलोड कर रखी है तो यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा और वो सेट हो जाएगा। अगर आप नया अपलोड करके लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा अपलोड फ़ोटो पे। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, नीचे से ये टॉपअप खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें इस फाइल वाले बटन पे क्लिक करना है, तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। फाइल वाले बटन पे क्लिक करते ही हम इस तरह से अपने गैलरी में आ जाएंगे, अपने मेमोरी में आ जाएंगे और यहाँ से कोई भी फ़ोटो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोटो यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ थ्री लाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ से अपने गैलरी में चले जाएँगे और गैलरी से कोई भी फ़ोटो उठाकर आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम गैलरी में नहीं जाएँगे, हम यहीं से ही एग्जाम्पल के तौर पर हम ये वाला पिक लगा कर दिखा देते हैं आपको, या ये वाला लगा कर दिखा देते हैं, हम कितने बार भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम ये वाला लगा करके दिखा देते हैं। ये वाला लगाने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पिक अपलोड होने लगेंगी। अपलोड होने के बाद दोस्तों आपका पिक जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा पिक अपलोड होकर यहाँ पर आता है। तो अगर ये इसमें ज़्यादा टाइम लगाएगा दोस्तों, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों बताना चाहूँगा, ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है इसलिए मैं बैक करके, सॉरी, ये मैं बैक करने ही वाला था, काफ़ी देर हो गया था इसलिए मैं बैक कर रहा था, लेकिन ये अब आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं इसे, छोटा बड़ा साइज, मतलब कहाँ तक हमें कितना बड़ा फ़ोटो लगाना है, हम इसे इस तरह से कट इन भी कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमारा कट इन हो चुका है, अब हम इसे डन कर देंगे, डन पे क्लिक करेंगे तो एक मिनट पहले यहाँ से हम फ़ोटो को घुमा भी सकते हैं दोस्तों। ये वाला बटन देख रहे हैं यहाँ पे, फ़ोटो अगर तिरछा आया है या फिर टेढ़ा आया है तो सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल डन करके दिखाते हैं आपको।
टर्न करने के बाद दोस्तों ये देखिए थोड़ा और प्रोसेस चलेगा, उसके बाद आपका फ़ोटो जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोटो जो लगा हुआ है टेक्निकल तनवीर, ठीक है, हमने अपने चैनल का लोगो बनाकर लगाया हुआ है। ये देखिए अब ये वाला फ़ोटो लग चुका है। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर अब बैक कर देना है। इसे बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे ये फ़ोटो तो चेंज हुआ नहीं, तो फ़ोटो चेंज हो गया है दोस्तों, हमें रिफ़्रेश मारने की देरी है। ठीक है, तो चलिए हम रिफ़्रेश मारते हैं। इस तरह से रिफ़्रेश मारने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो चेंज हो चुका है, हो चुका नहीं है, ये देखिए हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई बात आप हमसे कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए। दोस्तों अगर आप चैनल का अर्थ चेंज करना सीखेंगे या चैनल का अर्थ बनाना सीखेंगे तो यहाँ ये वाली वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बीच में ये गोल सा आइकन दिख रहा है आपको मेरे चैनल का, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी वीडियो यहाँ पे आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं।